नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना पता डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ऑन्कोमाइकोसिस, यानी आपका जो हाथों के या पैरों के नाखून में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके नाखून खराब हो जाते हैं, बंधे दिखते हैं, पीले रंग के, सफ़ेद रंग के या नीले रंग के हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं और वो बिल्कुल टूटने जैसे हो जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं। तो इस तरह की जो डिजीज़ है जिसको ऑन्कोमाइकोसिस बोलते हैं, तो उसके बारे में आज आपको डिस्कस करूंगा। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या साइन और सिम्टम होते हैं, उसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन के लिए इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने फंगल इन्फेक्शन क्या है, उसके क्या साइन सिम्टम है और उसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इसका मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, ऑन्कोमाइकोसिस को टीनिया अंग्यूम भी कहते हैं। तो ये इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है इसका एक डर्मेटोफाइट या फंगल या कैंडिडा इन्फेक्शन जो होता है, उसकी वजह से ये मुख्यतः पाया जाता है। यह पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में हो सकता है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो पुरुषों में ये ज़्यादा होता है और स्पेशली आपके पैरों के नाखूनों में ज़्यादा होता है, और उसमें भी आपका जो बिग टो यानी आपका पैर का जो अंगूठे होते हैं उसको ये ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, ये तो हो गए इसके मुख्य कारण और इसके किसको ये ज़्यादा प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं, कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि कहीं आपको ऑन्कोमाइकोसिस तो नहीं हो गया या आपके नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। उसका जो सबसे पहला जो सबसे मुख्य सिम्टम होता है वो होता है आपके जो नाखून होते हैं वो नाखून बिल्कुल खुरदरे से हो जाते हैं, वो नाखून रफ हो जाते हैं और वो ब्रिटल यानी आपको ऐसा लग रहा है वो नाखून टूट रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ होंगे, और वो जब आप वो नाखून को देखते हैं उनका कलर जो होगा वो कलर भी उसका सफ़ेद या पीला या नीला या काला हो जाता है। इस तरह के सिम्टम होते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कि कहीं आपको ऑन्कोमाइकोसिस तो नहीं हो गया है। इस स्थिति में आपके जो नाखून होता है उनका शेप भी बहुत खराब हो जाता है, नाखून मोटे हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, उसके अंदर दरारें पड़ जाती है, और अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि जो आपका नाखून होता है वो नेल बेड यानी जहाँ पे नाखून चिपके होते हैं वहाँ से वो उखड़ जाते हैं और उसकी जो स्किन होती है उसकी वो दूर हो जाते हैं। इस तरह के सारे कंडीशन अगर है तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये ऑन्कोमाइकोसिस हो सकता है। ये उसके कुछ मुख्य साइन और सिम्टम होते हैं दोस्तों, जिसके आधार पर आप इसको पहचान सकते हैं। दोस्तों, अगर इसको ऑन्कोमाइकोसिस को देखें तो ये आपके हेल्थ इश्यू के साथ साथ आपको कॉस्मेटिकली भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ये बदे और बहुत ज़्यादा खराब लगते हैं, इसलिए इसका टाइम पर समय रहते इसका ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि कॉस्मेटिक और स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये जैसे इंपॉर्टेंट उसी तरह से आगे जाकर ये और भी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, आगे जाकर हानिकारक हो सकते हैं और भी फंगल इन्फेक्शन ये फैला सकते हैं, इसलिए इसको टाइम पे ट्रीटमेंट लें। दोस्तों, ये हो गए इसके जो साइन और सिम्टम। अब हम बात करते हैं कि इसको किसको ज़्यादा खतरा होता है। दोस्तों, इसमें जो अगर खतरे की ज़्यादा बात करें तो इसमें वो बुजुर्ग स्पेशली जिनके में क्या होता है कि बुजुर्गों में ये उनकी ब्लड सप्लाई धीरे 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 वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें ये खतरा ज़्यादा होता है, उनके जो नाखून होते हैं उसमें इस तरह का फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा वो लोग जिन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है उनमें भी इस तरह के फंगल इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा जो नमी वाले वातावरण में रहते हैं जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसके अलावा उनको पानी वाले थोड़ा सा काम उनका ऐसा काम है कि वो पानी में थोड़ा सा उनको ज़्यादा काम पड़ता है, तो उसमें भी इस तरह के इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जो जूते चेंज करते हैं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं, या उनके जूते काफ़ी पुराने हो जाते हैं, या उनके जो सॉक्स होते हैं सॉक्स जो बार बार समय पर धोते नहीं हैं उनके सॉक्स में से काफ़ी स्मेल आती है, इस तरह की कंडीशन में भी यह इसके होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं जो कि स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं और स्विमिंग पूल में जब वो आसपास चलते हैं उसके आसपास घूमते हैं तो वो किसी तरह का स्लीपर्स नहीं पहनते हैं, और या उन्होंने स्विमिंग पूल अगर यूज़ किया है तो उसके बाद वो वापस बाथ नहीं लेते हैं बाहर आके, तो इस तरह की कंडीशन में भी इस तरह के इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा होता है। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है पूरी इम्यूनिटी वालों को भी इस तरह के चांसेस फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वो लोग जिनको डायबिटीज़ है उनमें भी इस तरह के फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो उनको ज़्यादा खतरा होता है। दोस्तों, ये हो गए इसके कुछ मुख्य, वो लोग जिनको ज़्यादा इसमें चांसेस हैं इनके नाखून में इन्फेक्शन होने का फंगल इन्फेक्शन का। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो क्या ट्रीटमेंट है जो आप लें, तो आप बिल्कुल बिना अपने शरीर को नुकसान दिए हुए बड़ी आसानी से आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो इसमें होम्योपैथी में अगर मैं बात करूँ तो होम्योपैथी के लिए इसके बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। दोस्तों, ऑन्कोमाइकोसिस के लिए जरूरत होती है थोड़े से सब्र की और थोड़े से पेशेंस की। अगर आप सब्र के साथ मेडिसिन लेते हैं और अपने प्रॉपर गाइडेंस में अगर मेडिसिन लेते हैं तो आप इसे निश्चित तौर पर आप इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हम आपको आज होम्योपैथी मेडिसिन बताएं हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों, जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें, जूते शेयर ना करें, अगर आपके जूते काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं तो
तो उनको यूज ना करें। आप अपने सॉक्स समय पर आप उसको धोएं, आप उसको चेंज करते रहें, वॉश करें प्रॉपर सॉक्स, साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर इस तरह का थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं तो आपको इसमें इसको ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको इसे निजात लेने में आपको आसानी रहती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ज़्यादा कारगर है। तो अगर इसमें मुख्यतः होम्योपैथिक मेडिसिन की मैं बात करूँ तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है आपको थुजा 200। आपको फंगल इन्फेक्शन है नाखून का तो सबसे पहले कोई भी साइन और सिम्टम हो आपको थुजा 200 ये वीकली लेनी होती है। इसका आप वीक में कोई भी एक डे फिक्स कर लें, उसमें आप मान लीजिए संडे है तो आप संडे को 2 से 3 मुंह डायट जीप पर दिन में मॉर्निंग में आप सुबह आप ले लें, सिर्फ सप्ताह में एक बार लें, आपके लिए इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये थुजा 200 आपको लेना ही है। इसके साथ में आपको एक लेनी होती है वो होती है एंटीम क्रूड 30। एंटीम क्रूड में आपके नाखून बहुत मोटे जाते हैं, आपकी स्किन मोटी होती है, उसके साथ साथ उन लोगों में पैरों में कॉर्न की या उनके वाट होने के बहुत ज़्यादा उनमें प्रवृत्ति होती है स्किन में, इस तरह के कंडीशन होते हैं, तो उसमें एंटीम क्रूड 30 बहुत अच्छा काम करती है। एंटीम क्रूड 30 को लेने का तरीका होता है 2 से 3 बूंद डायट जीप पर दिन में 3 बार लें। एंटीम क्रूड के बाद में जो अगली मेडिसिन है वो होती है हमारी सेलेसिया 30। सेलेसिया 30 में अक्सर देखने को मिलता है कि उनके पैरों में जो पसीना बहुत ज़्यादा होता है और उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आती है और उनके जो नाखून होते हैं अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, स्किन के अंदर मुड़ जाते हैं, इस तरह की कंडीशन में सेलेसिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। और इसको भी लेने का तरीका है 2 से 3 बूंद डायट जीप पर दिन में 3 बार लें। अगली जो मेडिसिन होती है दोस्तों वो होती है हमारी ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 को लेने का तरीका है 2 से 3 बूंद डायट जीप पर दिन में 3 बार लें। ग्रेफाइटिस 30 में देखने को मिलता है कि उनकी जो स्किन होती है, स्किन थोड़ी ड्राई होती है, उनके फिंगर टिप्स जो होते हैं उस पर क्रैक्स होते हैं और उसके साथ साथ उनके नाखून ब्रिटल होते हैं, बिल्कुल उसमें दरारें मिलती है आपको और उनके नाखून सूखे सूखे से होते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है उसमें भी ग्रेफाइट 30 बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो दवा है दोस्तों वो होती है हमारी सीपिया 30। सीपिया 30 को लेना होता है 2 से 3 मुंह डायट जीप पर दिन में 3 बार लें। आपको अगर कैसा भी फंगल इन्फेक्शन है उसमें सीपिया का बहुत अच्छा रोल है, इसलिए अगर आपको नाखून में भी अगर फंगल इन्फेक्शन है, चाहे आपकी स्किन में इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, आप उसमें सीपिया 30 आपको लेना ही होता है। दोस्तों ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको एज पर सिम्टम वाइज अगर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। आपको निश्चित तौर पर आपको ऑन्कोमाइकोसिस से निजात दिलाने में काफ़ी यह सक्षम मेडिसिन होती है। जरूरत होती है थोड़े से पेशेंस और प्रॉपर गाइडेंस की, इसलिए हमेशा मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार ही मेडिसिन लें। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन है और ये हमारा वीडियो था ऑन्कोमाइकोसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।